हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 8 के मैथमेटिक्स के इस सेकंड लेक्चर में, जैसा आप सभी को पता है कि हम क्लास 8 का ये मैथ्स का सीरीज चालू कर चुके हैं, तो ये क्लास 8 के मैथ्स के सेकंड लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 को देखने वाले हैं। इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, तो एक्सरसाइज 1.1 जो है आप आज कंप्लीटली सीख जाएंगे। किस तरह से आपको सॉल्व करना है पूरी तरह से मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। जिन्होंने भी पहले पार्ट वन को नहीं देखा, पहले लेक्चर को नहीं देखा, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, या एक प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 8 मैथमेटिक्स का, उस प्लेलिस्ट पे आप सारे वीडियो जो हैं सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। ओके, तो अभी तक जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो एक्सरसाइज 1.1 की बात करेंगे, प्रश्नावली 1.1 का। तो इसके लिए देखो, मेरे पास जो इंग्लिश मीडियम में बुक है उसको लेकर के आता हूँ। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं हिंदी में वैसे भी यहाँ बोल रहा हूँ, आपको चीज़ें जो है आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो, तो एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन दिया है उसको हल करते हैं। इससे पहले मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रखा है, किस तरह से आप जो है स्क्वायर और जो क्यूब है, वर्ग और घन, उसके क्वेश्चन को कैसे करोगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो आज के क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों का हल। क्लियर, चलो देखते हैं। देखो, आपकी स्क्रीन पे एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। एक्सरसाइज 1.1 जो है ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसको, और अच्छे से क्लियर आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देखेंगे, इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, आपको क्या करना है, पेयर्स द मल्टीपल फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेयर्स द मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड से वेदर दे आर परफेक्ट स्क्वायर्स और नॉट। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, जोड़ी बनाना है, जोड़ी बनाना है, युग्म बनाना है, और इसके फैक्टर निकालने हैं। जितने भी नंबर दिए हैं यहाँ पे, 5 क्वेश्चन है, 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न के आपको क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं, और उसका पेयर बनाना है, जोड़ी बनाना है, और आपको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो क्लियर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन इंग्लिश में देख के बिल्कुल कोई नहीं डरेगा, सबसे पहली बात, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आपके पास बुक है अगर तो बुक रख लो, और नहीं है तो भी इसे आप वो चीज़ें सीख जाओ। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने बोला है फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, प्रश्न पहला, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है। आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने बोला है, पूर्ण वर्ग है या नहीं ये बताना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर का बात किया है यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं ये बताते जाने हैं। तो जोड़ी बनाना है, पहले गुणनखंड निकालना है, जोड़ी बनाना है, उसके बाद ये पूर्ण वर्ग है या नहीं ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है फर्स्ट क्वेश्चन जो है 164 का। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताना है ये है कि नहीं ये बताना है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जैसे दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 164। इसका क्या करना है, सबसे पहले आप फैक्टर निकाल लो, गुणनखंड निकालना मैंने सिखाया था थोड़ा पिछले क्लास में, छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, और पिछले क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ चुका होगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या करना है, 164 का गुणनखंड निकालने चलेंगे। तो सबसे छोटी संख्या से जो भाग जाता है उससे भाग करने का कोशिश करो आप। तो 2 से जैसे कर सकते हैं, 2 8 हो गया 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 4 हो गया। फिर आगे देखेंगे, 2 से फिर ये 2 से डिवाइड होगा, भाग चले जाएगा, 2 4 8, ये 8 चले गया भाग, 2 1 2 हो गया। अब उसके बाद ये 41 किससे भाग जा सकता है, ये हम कोशिश करते हैं। तो 41 किसी से भाग जा सकता है क्या, देखें
तो आपको आप देखोगे पहाड़े, दो के पहाड़े पढ़ोगे, तीन के पहाड़े पढ़ोगे, चार के पहाड़े पढ़ोगे, पांच के पहाड़े पढ़ोगे, आप कोशिश करोगे 40 को किसी से भाग चले जाए, लेकिन क्योंकि 40 किसी से भाग नहीं जाता, ये 41 जो है 41 से ही डिवाइड होता है, तो 41 1 जा 41, तो ये 164 जो है 164 उसके कौन कौन से फैक्टर निकले, कौन कौन से गुणनखंड निकले, तो हम लिख सकते हैं इसको, देखो 2 × 2 × 41 2 × 2 × 41, ठीक है। अब आप इसका जोड़ी बनाओ, जोड़ी बनाओगे तो देखो ये एक जोड़ी ही बन रहा है, इसका कोई जोड़ी बन रहा है क्या 41 का, नहीं बन रहा है ना, तो आप क्या बोलोगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लिख सकते हो यहाँ पे सिंस द पेयर ऑफ 41 इज मिसिंग, 41 का पेयर मर रहा है क्या, नहीं, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो कि क्योंकि 41 का ये 41 का जो युग्म है वो नहीं बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि देयरफॉर ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो नंबर क्या दिया है 64, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप यहाँ पे रीजन लिख देना, जरूर लिख देना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखना, क्या लिखूंगे इंग्लिश मीडियम वाले, सिंस हियर 41 इज या 41 द पेयर ऑफ 41 इज मिसिंग, देयरफॉर द नंबर 164 इज नॉट अ 164 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। आप यहां तक लिखोगे परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये आप बोल सकते हो यह पूर्ण वर्ग, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बता देता हूँ, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी तरह के आपको सारे क्वेश्चन बनाने हैं, मैं सभी क्वेश्चन हल करके आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 क्वेश्चन दिए हैं वो पांचों के पांचों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, जैसे 2 1 2 1 दिया है, देखो ये सेकंड क्वेश्चन है 1 2 1 1 2 1 को भी अगर हम निकालना चाहें 1 2 1 121 दिया हुआ है। अब 121 को हम लोग चलो कोशिश करते हैं भाई, हमने कोशिश किया, ये है 121 को सबसे पहले मैंने गुणनखंड के लिए बताया कि छोटे संख्या से भाग दो, तो क्योंकि ये विषम संख्या है, ऑड नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पे इकाई पे क्या आ रहा है, एक आ रहा है, अतः यह क्या है विषम संख्या, तो विषम से ही भाग जाएगा, तो दो से तो भाग देने से भाग नहीं जाएगा, है ना, डिवाइड नहीं होगा, तो हम 3 से कोशिश करेंगे, 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से 5 से 6 से सबसे कोशिश करोगे, अंत में आप जाओगे और फाइनली ये 11 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा, और 11 1 जा 11 होगा, तो यहाँ पे जो 1 रिमाइंडर रहेगा, जो 1 बचेगा वो इसके पास आएगा, तो ये भी 11 बन जाएगा, फिर 11 एकम 11 हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर ये किससे डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से भाग हो जाए, तो 11 एकम 11, इसलिए इसके कितने फैक्टर होंगे, तो आप आराम से बता सकते हो 212 का कितना फैक्टर हो गया, 11 × 11 11 × 11, तो आप देखोगे कि ये पेयर बन रहा है, 11 का पेयर बन रहा है, सिंस हियर द पेयर इज फॉर्म्ड ऑफ 11, 11 का यहाँ पे पेयर बन रहा है, ठीक है, तो आप लिख लेना सिंस करके, आप लिख लेना जरूर, क्योंकि यहाँ चूंकि यहाँ 11 का युग्म बनता है, अतः 121 एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है, तो आपको यही बताना है बस, इस क्वेश्चन में सभी प्रश्न में यही बताते जाने हैं आपको, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हैं, हम 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज हियर 11 इज इन द फॉर्म ऑफ पेयर, क्लियर, ठीक है, चलो। तो आपको जोड़ी बनाते जाने, अगर जोड़ी बन रहा है तो बोलोगे परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, अगर जोड़ी नहीं बनता तो आप बोलोगे पूर्ण वर्ग नहीं है, क्लियर हुआ। चलो आगे आए क्वेश्चन नंबर 3, 5 क्वेश्चन है, देखो सभी का मैं बताऊंगा यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन है 289, फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देता हूँ चलो सभी क्वेश्चन, 729, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन 110,
ठीक है चलो एक एक करके चेक करते हैं। ये पांच क्वेश्चन है, ठीक है पहले इसको देखते हैं 289 को। तो इसके लिए भी सबसे पहले क्या करोगे, आप गुणनखंड निकालोगे 289 का, जो फैक्टराइजेशन करोगे उसमें आप देखोगे, फिर इसको डिवाइड करने का कोशिश करोगे किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से, ऐसे करते करते आपको इसको डिवाइड करना है, कोशिश करना है किसी ना किसी नंबर से वो जरूर डिवाइड होगा। ठीक है तो आपको क्या करना है, ये कोशिश करते जाना है 289 किससे डिवाइड होगा। तो फाइनली आप देखोगे कि ये 17 से ही डिवाइड होता है, 17 से ये भाग जाएगा। देखो 17 एकम आपने कर दिया, 17 एकम 17, 17 इधर से चले गए, 28 में से 17 चले गया, तो यहाँ कितना बचा 11, तो ये हो जाएगा 119, 119 बच गया ना। ठीक है तो 119 17 पंच 85, 17 छक्के 102 और 17 सत्ते 119 होता है, तो ये हो जाएगा 17। फिर 17 से भाग जाएगा, 17 से भाग चले जाएगा, 17 वन जा, तो इसका जो फैक्टर आपको निकल करके मिला, देखो यहाँ पे 289 इक्वल टू आप लिख सकते हो 17 इंटू 17, 17 गुणा 17, तो ये भी एक क्या बन गया, इसका पेयर बन गया। सिंस हियर आगे आप लिख सकते हो हियर ऑल द फैक्टर, जो जितने भी फैक्टर अगर वो पेयर में हैं, एक और अच्छा यहाँ पे आप चीज लिख सकते हो, सिंस हियर हियर ऑल द फैक्टर्स आर इन पेयर, ऑल द फैक्टर आर इन पेयर, देयरफॉर 289 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इस तरह से लिखना है आपको सभी क्वेश्चन में, आप लिखना बार बार, ये बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है ये आप लिख लेना। अगर पेयर बन रहा है तो पेयर बना है लिखोगे, या तो अगर नहीं बनता तो हियर ऑल द फैक्टर आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, ये भी लिख सकते हो, ठीक है पेयर के फॉर्म में नहीं है, पेयर नहीं बन रहे हैं। ठीक है तो समझ आ गया कैसे करना है, और हिंदी में माध्यम वाले भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका युग्म बन रहा है, इसके गुणनखंड का युग्म बनता है, अतः 289 जो है वो पूर्ण वर्ग है। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दो क्वेश्चन और बच गए, 729 को कोशिश करते हैं। 729 ये किससे डिवाइड जाता है, चलो इसको भी हम कोशिश करते हैं 729 किससे जा सकता है। ठीक है चलो 729 ये जो 729 है उसको चेक करते हैं, तो पहले 2 से भाग करने का कोशिश करेंगे, 2 से भाग तो जाएगा नहीं है, 3 से करते हैं, चलो 3 दुनी ये क्या हो जाएगा 6 है, 1 बच गया, ये हो गया 12, तो 3 चौके 12, 3 4 ज़ा 12, फिर ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। ठीक है फिर 3 से डिवाइड करने का कोशिश करते हैं, 3 8 ज़ा 3 8 24 हो जाता है, और 3 एकम 3 हो जाता है, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से डिवाइड करने का कोशिश करते हैं, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 चले गया तो यहाँ पे कितना बचा 21 हो गया है, 3 7 जा 3 7 21 हो गया, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, फिर ये हो जाएगा 3 9 जा 27, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, फिर अगेन 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, तो इसका जो पेयर है देखो इसको कैसे लिखोगे अच्छे से यहाँ पे बता देता हूँ मैं फिर से अगेन देखो। ठीक है 729 था हमारे पास, तो 729 इसका आपने यहाँ पे लिखा फैक्टर जो है गुणनखंड जो है ये है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, पेयर बनाओ जोड़ी बनाते जाओ, एक जोड़ी बना, दो जोड़ी बना, तीन जोड़ी बन गया, परफेक्ट स्क्वायर इसका क्या होगा, तो आपने जोड़ी बना दिया, सभी क्या है इसके गुणनखंड जो है या सभी फैक्टर, हियर ऑल द फैक्टर्स आर इन पेयर, देयरफॉर 729 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये लिखना है आपको। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को क्या लिखना है कि क्यों, चूंकि यहाँ 729 के सभी गुणनखंड युग्म में हैं, जोड़े में हैं, अतः 729 एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है जिसका जोड़ी नहीं बनता वो पूर्ण वर्ग नहीं होता, बस इस बात का याद रखना है। ठीक है चलो यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं 1100, इसको देखते हैं तो ये किससे डिवाइड होगा, कोशिश करेंगे हम इसको 2 से डिवाइड करने का, 2 से आराम से चले जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 5 ज़ा 10 हो गया, फिर से 2 5 ज़ा 10 हो गया, फिर ये हो जाएगा कितना 200 हो गया। ठीक है फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 2 7 ज़ा, ये हो जाएगा देखो 2 2 ज़ा 4 हो गया, अब यहाँ पे हो जाएगा 15, तो 2 7 जा 14 हो गया, फिर इसको यहाँ पे 14 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 2 5 जा 10 आ जाएगा,
तो ये डिवाइड करने आता है ना सभी को, डिवाइड बिल्कुल नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं डिवाइड करना सिखाऊंगा, गुणन खंड अच्छे से सिखाऊंगा। मुझे ये अभी इतना उम्मीद है कि आप सभी को ये कम से कम गुणन खंड करने आता होगा, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट इस तरह से बता रहा हूँ, ठीक है। थ्री से आप करेंगे क्योंकि ये टू से तो होगा नहीं डिवाइड, थ्री से ये डिवाइड होगा नहीं, फाइव आ रहा है लास्ट में, ये डिवाइड हो नहीं पा रहा है अभी, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं फोर से भी नहीं होगा, फाइव से हो सकता है, ये फाइव फाइव से 25 होगा, पाँच पंच 25 और फिर ये दो बच गया, यहाँ 25 हो गया, पाँच पंच 25 आ गया फिर अगेन, ठीक है। फिर ये किससे डिवाइड होगा, फाइव से हो जाएगा, फाइव वन जा फाइव, फाइव वन जा फाइव, फिर ये 11 से ही डिवाइड होगा 11 से, तो 11 वन जा 11। जब आप इसके फैक्टर को देखोगे, ठीक है, चलो यहाँ अभी मैं आपको, आप इसी तरह से लिखना, ठीक है, लेकिन यहाँ जगह नहीं है, मैं अभी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो आप इसके फैक्टर लिखना, 1100 का क्या क्या फैक्टर बना है, तो 2 × 2 × 5 × 5 × 11, ठीक है, 11। अब जोड़ी बनाओगे तो इसका जोड़ी बन रहा है, इसका जोड़ी बन रहा है, लेकिन 11 का कोई जोड़ी बन रहा है क्या, नहीं ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, सिंस हियर ऑल द फैक्टर आर नॉट इन द नॉट इन पेयर, देयर फोर 1100 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्लियर। आप ऐसे लिख सकते हो हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी जो है, क्योंकि 1100 के सभी गुणनखंड युग्म में नहीं है, 11 का क्योंकि जोड़ी नहीं बन रहा है ना, इसलिए क्या कर सकते हो, अतः यह 1100 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, क्लियर हुआ। तो सभी ये पहला जो क्वेश्चन था पूरा अच्छे से समझ आया है क्या, ये पूरा सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो, जिसको भी बनाना है आराम से बनाओ आप, बिल्कुल मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए हमारे क्लास में, ठीक है, तब ज़्यादा मजा आएगा, आपको भी समझ आएगा और अपन आते जाएंगे, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, समझ आया सभी बच्चों को, आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। गिव रीजंस व्हाई द गिवन नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, आपको रीजन बताने हैं कि ये क्यों ये जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये नंबर जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है आपको बताने हैं, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आ गया। चलो ऐसा हम लोगों ने, मैंने जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो भी आपको सिखाया था कि आप देख करके भी बता सकते हो कोई परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, मैंने सिखाया था ना, ठीक है, जो पहले क्लास में वीडियो देखे होंगे उनको अच्छे से पता है, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ, सबसे पहले तो पहला वीडियो देखिए, तब मजा आएगा आपको ये एक्सरसाइज 1.1 करने में, ठीक है। चलो तो ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं ये हमको चेक करना है, तो सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है, प्रश्न दूसरा जो है सेकेंड क्वेश्चन, उसमें आपको बताना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, रीजन बताना है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और रीजन बताना है इसमें, रीजन कारण बताना है आपको, बिल्कुल ठीक है, रीजन। तो यहाँ पे जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसका कारण बताओ वाला सवाल है ये, क्यों पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूर्ण वर्ग नहीं है क्यों, ये कारण बताना है, तो शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन को लिखा, ठीक है, समझ आ गया, सभी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को ये चीज़ें समझ आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन दिया है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखो 8 क्वेश्चन है, पूरा मैं यहाँ पे आपको यही बता रहा हूँ, देखो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, चलो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में, कितने क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला वाला प्रश्न देखो, पहला वाला प्रश्न जो है 12000 दिया है, ठीक है, 12000 है। अब मैं थोड़ा इसको नोटबुक में बता देता हूँ, देखो कोई परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, अगर किसी भी संख्या के किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस या इकाई में, इकाई में अगर क्या आ जाता है, इकाई में ये आ जाता है 2, 3, 7 या 8 आ जाए,
तब वह पूर्ण वर्ग नहीं होता, समझ रहे हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। कब नहीं होता, ठीक है, जब इकाई में 2, 3, 7, 8 आए, ठीक है, ये देखो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ना, तो 2, 3 और 7, 8 अगर आ जाता है तो पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं होगा। इकाई में किसी भी संख्या के, कोई भी संख्या या कोई भी नंबर है उसके अगर इकाई में ये चीज़ें आती है 2, 3, 7, 8 तो पूर्ण वर्ग नहीं होता। इसके साथ साथ अगर 0 आ जाए तो क्या होगा, तो देखो अगर 0 इकाई में अगर विषम 0 है, विषम संख्या में 0, विषम संख्या में 0 है, विषम संख्या या ऑड नंबर में, ऑड नंबर में 0 है, ठीक है, ये 0 की बात है। अगर इकाई में विषम संख्या में अगर 0 है तो भी वह पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, याद रखिएगा, पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो दो कंडीशन आपको समझना है, कब कब नहीं होता, तो अगर किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस में इकाई में 2, 3, 7, 8 आए तब वह पूर्ण वर्ग नहीं होता। अगर इकाई में, इकाई से अगर हम काउंट करेंगे, इकाई बस में नहीं बोलेंगे, इकाई में या इकाई दहाई सैकड़े अगर 3 जगह हैं तो पूरा इकाई बस में लिखना सही नहीं है, ठीक है, इकाई से आप काउंट करोगे और इकाई से अगर 3 0 लगाए, मान लो ये देखो अगर कोई संख्या ऐसा है जैसे 75,000 है, उसमें आप देखोगे कि 3 0 हैं, तो 3 0 हैं क्या, है विषम संख्या में 0 है, विषम संख्या के में अगर 0 है तो भी वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लेकिन अगर यही 7,500 होता तो पूर्ण वर्ग हो सकता है, बिल्कुल समझ गए क्या, ठीक है, तो आपको यही चेक करना है और कुछ भी नहीं, इतना करने के बाद आपको पूरा चीज समझ आ जाएगा और हर एक क्वेश्चन आप बना पाओगे, कारण भी लिख पाओगे, ठीक है ना। चलो तो ये चीज़ें समझ आ गई, क्या क्या करना है, इकाई में क्या होता है, कैसे होता है, बातें समझ आ गई ना, ठीक है, चलो क्लियर हुआ। चलो देखते हैं आप क्वेश्चन को, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ये देखो आपके पास कुछ क्वेश्चन है इसी में के, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, सेकेंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये हो जाएगा 12,000 दिया हुआ है हमको, 12,000, ठीक है, जो सेकेंड क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूँ, 1,227 दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, 790, फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 1,482, सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, टेंशन ना लो, 1,65,000 दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6th क्वेश्चन दिया है 15,050, ठीक है, 7th क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 1,078 और 8th क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे वो है 8,123, ठीक है, तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है, चलो देखते हैं कि क्वेश्चन आपके बुक में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी को। आप देखो यहाँ पे, यहाँ चेक करोगे तो अगर 0 आता है लास्ट में, मैंने बताया था ना इकाई में नहीं बोलेंगे, लास्ट में बोल सकते हो, आखिरी में अगर 0 आते हैं तो यहाँ पे देखोगे आप, गिनोगे कितने 0 हैं, 1, 2, 3, अगर 3 0 हैं तो ये विषम है, विषम है ना, 3 विषम संख्या होता है ना, ऑड नंबर है ना, तो अगर ऑड नंबर में ये 3 0 हैं, ऑड 0 कितने हैं, 0 जो है ऑड हैं या विषम हैं, अतः ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे आप अच्छे से लिखना, आप रीज़न ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ जीरो, ऑड नंबर ऑफ जीरो, देयरफोर 12,000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये बोलना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ विषम संख्या में या शून्य की संख्या जो है वो कितनी है, 3 है, विषम है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है, ये बताना है आपको, ठीक है। यहाँ बात करते हैं 1,227 की बात करते हैं, तो लास्ट में आप देखोगे इकाई में क्या आ गया, 7 आ गया, और मैंने यहाँ पहले भी सिखा के रखा है कि अगर इकाई में 2, 3, 7 या 8 आता है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता, इकाई में 7 आ गया अतः यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है। कारण कैसे लिखोगे, समझ आ गया, सिंस ईयर द यूनिट प्लेस हैव 7 विच इज ऑड नंबर, सॉरी द यूनिट प्लेस इज हैविंग 7,
सो 1227 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये बताना है आपको, ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इकाई में क्या आ रहा है, सात आ रहा है। इसी प्रकार आप इसको देखोगे, इसको देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं ना, ऑड नंबर ऑफ जीरोज कितना जीरो है, एक ही जीरो है, इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। कारण बताते जाना है, यहाँ पे देखोगे तो दो आ गया, देखो टू आ गया, यूनिट में कितना आ गया, टू आ गया, टू आ गया, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे देखोगे कितने जीरो है, तीन जीरो, यहाँ पे फिर से विषम संख्या में जीरो है, विषम संख्या में जीरो है, मतलब एक दो तीन तो जीरो है, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कारण बताओगे आपको ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, इसी का कारण बताना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे कि लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं, लास्ट में एक ही जीरो आ रहा है और एक क्या है, विषम संख्या, इसलिए भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है, देखना है लास्ट में क्या आ रहा है, एट आ रहा है और एट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ ना अगर यूनिट में एट आता है तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे बोलोगे क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, द यूनिट प्लेस हैविंग एट, therefore 1078 is not a perfect square। रीजन समझ आ रहा है कैसे लिखते जाना है, क्योंकि इकाई में क्या आ रहा है, आठ आ रहा है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। आखिरी में देखोगे इसमें इकाई में क्योंकि तीन आ रहा है, अतः यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूरी बातें समझ आ गई, सेकेंड क्वेश्चन कैसे बताना है, यहाँ पे बस कारण लिखते जाना है, यहाँ कारण आप लिखते जाना जो जो मैंने बताया, ठीक है। और जिनको अभी कारण समझ नहीं आया वो फिर से वीडियो को थोड़ा बैक करें और पूरी चीज़ों को एक बार और ध्यान से समझें। तो मेन चीज़ है ये, एक बार और मैं बता देता हूँ कि अगर किसी भी संख्या की इकाई में दो तीन सात या आठ आता है तो यह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर इकाई में नहीं बोलेंगे, इधर लास्ट में, आखिरी में, अगर अंतिम में जितने भी शून्य हैं अगर उसकी संख्या अगर विषम है तो भी वह पूर्ण वर्ग नहीं होता, ठीक है। तो दो कारण है, दो कारण से आप पूरे सवाल को यहाँ पे बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपके बुक में दिया हुआ है, ये देखो, फाइंड आउट द नंबर्स होज स्क्वायर्स आर इवन नंबर्स एंड होज स्क्वायर्स आर ओड नंबर्स, ये भी बताना है। इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो इवन नंबर का, इवन नंबर या जो हमारे पास सम संख्या है, और किस यहाँ पे जितने भी दिए हैं, देखो आपको पूछा है कि इसमें किसका जो स्क्वायर होगा, किसका वर्ग जो है वो एक सम संख्या होगा कि विषम संख्या होगा, ठीक है। तो वर्ग जो है सम संख्या होगा कि वर्ग विषम संख्या होगा, थर्ड क्वेश्चन का मैं थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। जो भी यहाँ पे दिए गए संख्या है ना, वो उसका वर्ग जो है, संख्याओं का वर्ग, संख्या का वर्ग सम होगा या विषम, सम या विषम होगा, इवन या ऑड होगा, ठीक है, इवन होगा या ऑड होगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी जितने भी संख्या दिए हैं यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो, ठीक है, 9 क्वेश्चन है। आपको बताना है, बस ये बताना है कि किसका वर्ग जो है सम होगा, इवन होगा, और किसका स्क्वायर जो है विषम होगा या ऑड होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। ये इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको क्या करना है, मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले भी बता रखा है कि अगर आप कभी भी, याद रखना, सम संख्या का वर्ग करोगे, देखो मैंने पिछले क्लास में बताया भी था, यहाँ पे नोटबुक में लिखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, ये पॉइंट मैंने नोट करने कहा था आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट में जब मैंने बताया, ठीक है, ये देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने बताया था, डिस्कस किए भी थे कि अगर कभी भी इवन नंबर या सम संख्या का आप वर्ग करते हो तो हमेशा कैसा प्राप्त होता है, सम संख्या ही प्राप्त होता है, और अगर ऑड नंबर का या विषम संख्या का अगर आप वर्ग करोगे या घन करोगे तो विषम ही मिलेगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के क्लास है ना उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, जिसमें इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, पूरे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया था, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन आप आराम से बता सकते हो, देखो किसका वर्ग सम होगा, किसका विषम होगा, तो यहाँ पे दिया फर्स्ट क्वेश्चन 14 का स्क्वायर करोगे, जरा सोचो 14 का स्क्वायर करोगे तो ये कैसा मिलेगा, ठीक है, 14 का स्क्वायर सम होगा कि विषम होगा, तो आपको बताना है 14 कैसा नंबर है, पहले तो देखो ये 14 या 14 जो है कैसा नंबर है, सम है कि विषम है, इवन है कि ऑड है, तो ये सम संख्या है, अतः इसका वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे, वो भी कैसा होगा, सम होगा, सम होगा, इवन होगा, बस ऐसे ही बताते जाने हैं, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर, ठीक है। तो आपको कारण समझ आया ना, क्योंकि सम का वर्ग जो है सम संख्या ही होता है, विषम का वर्ग जो है विषम संख्या होता है, ठीक है। और इसको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो है वो भी लिख सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज ऑलवेज इवन एंड द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, दैट्स वाई 14 सिंस 14 इज इवन नंबर, 14 इज एन इवन नंबर, दैट्स वाई द स्क्वायर ऑफ 14 इज
ऑलवेज एन इवन नंबर, क्लियर। तो 14 जो है क्योंकि एक सम संख्या है, अतः 14 का वर्ग करेंगे वह भी क्या होगा, एक सम संख्या ही होगा। क्लियर हो गया ना। इसी तरह से आप सभी क्वेश्चन बना सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो, 277 है, ये सम है कि विषम, सबसे पहले आपको चेक करना है। तो 277 जो है वो क्या है, विषम संख्या, जब इसका वर्ग करेंगे तो एक ऐसा प्राप्त होगा, तब ये विषम ही होगा, विषम होगा। क्लियर हुआ। इसी तरह से अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन 179, तो 179 को आप देखोगे कैसा संख्या है, विषम है कि सम है, तो आप देखोगे ये विषम है, ऑड नंबर है, और अगर ये ऑड नंबर है तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये ऑड ही होगा। ठीक है, समझ आ गया। चलो फोर्थ क्वेश्चन भी देखते हैं। यहाँ पे 205 कैसा है, तो 205 जो है वो भी क्या है, विषम है, विषम है, ऑड है, तो जब इसका आप जो है स्क्वायर करोगे तो वो भी क्या होगा, विषम होगा, ऑड नंबर ही होगा। इसी तरह से आपको बाकी सभी क्वेश्चन 5, 6 देखो, 5 क्या है, यहाँ पे ये सम संख्या है, तो सम संख्या का वर्ग करोगे तो और सम संख्या ही मिलेगा। ये भी क्या है, सम संख्या है, इसका वर्ग करोगे तो सम संख्या मिलेगा। ये विषम संख्या है, इसका वर्ग करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो ऑड नंबर ही मिलेगा। ठीक है, ये सम संख्या इवन नंबर है, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो इवन नंबर ही मिलेगा। ये क्या है, एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है मतलब विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो इसका स्क्वायर करोगे तो यह विषम ही मिलने वाला है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, चलो यहाँ तक पूरा आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन आप आराम से बना लिए। क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने आपको पूरी तरह समझाया, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाना है वो भी बताया, और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, लुक एट द गिवन पैटर्न एंड इन फिल द ब्लैंक्स, बोल रहा है ये पैटर्न को देखना है और आपको खालिस्तान भरने हैं। पैटर्न को देखते जाओ और खालिस्तान भरते जाओ, ये है। ठीक है, तो देखो 11 का वर्ग था तो कितना आ रहा है, ये पैटर्न जो दिया हुआ है ना उसको देखना है और खालिस्तान भरना है। तो 11 का वर्ग था, 11 का स्क्वायर कितना है, 121 आया, 101 का स्क्वायर किए तो देखो यहाँ पे एक जीरो आया, 1 के बाद एक जीरो आया और 2 के बाद एक जीरो आया। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, और 121 है ही, 121 रहेगा लेकिन बीच में एक एक जीरो आ जाएंगे। अगर डबल जीरो है तो दोनों बीच में डबल जीरो आ रहा है, बात समझ आ रहा है ना। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 जीरो हैं तो कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे, 3 जीरो आ जाएगा बीच में। ठीक है, 1, 2 फिर 3 जीरो लगा दो, फिर 1, 1, 2, 1 रहेगा ही, 121 रहेगा ही रहेगा, लेकिन किस तरह से बन रहा है, समझ आ रहा है ना। इसी प्रकार अगर यहाँ पे कितने 1, 2, 3, 4 जीरो आ रहे हैं ना बीच में, देखो 4 जीरो, तो आप कैसे लिखोगे, 1, 1, 2, 3, 4 जीरो लगा दिए, फिर 2 लिख दिए, फिर 1, 2, 3, 4 जीरो लगा दिए, फिर 1 लिख दिए। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखोगे कितने जीरो आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इधर खालिस्तान दे दिया इस बार, तो 5 जीरो बीच में आ रहे हैं, इसलिए कैसे लिखोगे इसको, 1, ठीक है, 1, 1, 2, 3, 4, 5 फिर 1 स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन जो है आप लोगों से बन गया होगा। ठीक है, बहुत आसान था, आपको देखना है 11 का वर्ग 121 होता है, अगर 101 हो जाता है बीच में एक जीरो आता है तो यहाँ एक जीरो और यहाँ एक जीरो आता है, 121 लिखा ही रहेगा, 1, 2, 1 लिखा ही रहेगा, 1, 2, 1 लिखा ही रहेगा, लेकिन बीच में एक एक जीरो आएगा। अगर यहाँ पे 2 जीरो आ जाता है तो दोनों के बीच में 2 जीरो आ जाएंगे, बात समझ आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान था, आपने बना लिया होगा आराम से। ठीक है, इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 4 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 तक का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम में बताऊँ। ठीक है, ये बुक मुझे अभी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और ये बुक मुझे एक स्टूडेंट से मिल गया, इसलिए यहाँ पे हिंदी का तो बुक है नहीं मेरे पास, है ना, ये एक गाइड है जो मुझे एक स्टूडेंट से मिला, तो इसी के हेल्प से मैं आपको यहाँ पे अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। तो बिल्कुल आप जितना चीज़ें सिखा रहा हूँ उसको सीखो, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लाइन से हर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो पहले इसीलिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट सिखाया आपको, पूरा कॉन्सेप्ट का क्लास जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो कॉन्सेप्ट जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट देख लिया ना तो आपसे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो पूरा चीज़ समझ आ गया, यहाँ तक हम लोगों ने बनाया एक्सरसाइज 1.1 को पूरी तरह से समझ लिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे वहाँ हम लोग। तो यहाँ पूरे प्रश्नावली कितने हैं, 7 प्रश्नावली जो होंगे, सभी प्रश्न 6 प्रश्नावली हैं। ठीक है, 6 प्रश्नावली पूरा मैं हल कराऊंगा, फिर उसके बाद सेकेंड चैप्टर को देखेंगे। तो यहाँ पे जो है आप एक एक दिन में एक एक एक्सरसाइज सीखते जाएंगे, बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा। आराम से नोटबुक बनाते चलो और ध्यान से नोट करते चलो। ठीक है, हमारे चैनल को सभी प्यारे
दोस्तों को, सभी स्टूडेंट को, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, जितने भी लोग हमारे इस चैनल को अभी देख रहे हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा चैनल जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े, तब हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है प्रोवाइड कराएंगे। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी, तब तक घर पे रहो, बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई से आपको हटना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप दिन भर घर पे रहते हो, कुछ टाइम निकालो, हर एक शेड्यूल बना लो, ऐसा नहीं है कि मेरे चैनल से ही आपको पढ़ना है, ठीक है। जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे से पढ़ो, जहाँ से आपको जो पसंद आता है वो सारी चीज़ें आप पढ़ाई ज़रूर करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ हाँ मज़ा आ रहा होगा, और ज़रूर जुड़ते रहना, डेली डेली के डेली एक एक वीडियो आपको मिलते जाएंगे हमारे चैनल पर, ठीक है। सभी क्लास के वीडियो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले मैथ्स को ही लेके चल रहा हूँ, तो क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 के मैथ्स सबसे पहले मैं आप सभी को कराऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे क्लास जो है 8, 9, 10, 11 के अगले अदर सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है हमारे चैनल को, बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनको जोड़ना है, तो आप जो है शेयर करो, बिल्कुल सपोर्ट करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।